आप सरकार हैं जहाँ हमको दे रहे हैं, रातों रात आप वहाँ पर जो है स्टैंड खड़ा कर सकते हैं। जमीन ही बनाना है, कोई महल नहीं बनाना है। ये राजा हो गए ना, हम लोग प्रजा है, प्रजा यहाँ भूखे मर रहा है और राजा वहाँ बैठ के कुर्सी डटा रहे हैं। पोस्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। आपको बता दूं कि पिछले 5 दिनों से जो ऑटो चालक है वो स्ट्राइक पे है, हड़ताल पे है, और तस्वीरें दिखा रहे हैं राजधानी पटना की, जहाँ पर तमाम ऑटो चालक जो हैं वो धरने पर हैं और पोस्टर बैनर के जरिए सरकार को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से ऑटो चालकों के साथ जो सरकार जो कर रही है वो बिल्कुल सही नहीं है। और देखिए पोस्टर में साफ तौर पर लिखा हुआ है 5 सितंबर 2023 पटना बंद, पटना शहर में ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और फुटपाथ दुकानों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था को हटाने के खिलाफ हड़ताल और चक्का जाम। देखिए तमाम जो लोग हैं, हम बात करेंगे, आप लोग उतरे हैं रोड पे, सड़कों पे क्यों? सवाल ये है कि शहर में कुछ काम हो रहा है, स्मार्ट सिटी, मेट्रो प्रोजेक्ट, अच्छी बात, हम लोग के साथ बराबर जो है सरकार वार्ता करती रही है कि आप लोग का हम व्यवस्था करेंगे, लेकिन व्यवस्था करने के पहले ही वो हमें जो है कहे कि आप लाल झंडी दिखा दिए कि आप लोग ये खाली कीजिए। तो हम लोग जब 500 ऑटो वहाँ लगता था टाटा पार्क में, मात्र 2-3 जगह यहाँ चिन्हित स्टैंड था, आप उसको हटा दिए, आखिर हम लोग जो है 5,000-7,000 गाड़ियों का जो है वो दबाव है, वो कहाँ सवारी उतारेगा? क्या मांग कर मांग यही है कि वैकल्पिक व्यवस्था कर देते, पार्ट वाइज अपना काम करते, क्या दिक्कत है? आप सरकार हैं जहाँ हमको दे रहे हैं, रातों रात आप वहाँ पर जो है स्टैंड खड़ा कर सकते हैं। जमीन ही बनाना है, कोई महल नहीं बनाना है। अच्छा पिछले 5 दिनों से आप लोग स्ट्राइक पे हैं, सरकार ने बातों को सुनी है आप लोगों की मांगों को? देखिए सही बात है कि 5 दिनों से हम लोग हड़ताल पर हैं, आज 5वां दिन है और पूरा संपूर्ण पटना ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, फुटकर दुकानदार सारे लोग बंद पड़े हुए हैं। मात्र एक गरीब लोगों का एक मात्र दुआ है और मांग है कि हमारा घर जब नोच रहे हैं तो हमारा घर पहले बसा दो ना। हम कहाँ कर रहे हैं, हम कहाँ विकास के बाधक बन रहे हैं? कहाँ हम नहीं चाह रहे कि मेट्रो पटना में चले, हम काहे नहीं चाहेंगे कि मेरा पटना स्वच्छ हो? लेकिन सरकार का भी यह दायित्व तो बनता है जो वैकल्पिक व्यवस्था है उसे पूर्ण रूप से करें। 5 दिनों से आप लोग गाड़ी नहीं, ऑटो नहीं चला रहे हैं, क्या घर पे गुजर रही होगी, क्या लोग पूछ रहे होंगे घर के? घर में क्या पूछेंगे, बस वही हम लोग कमाते वमाते नहीं है, दिन भर हड़ताल में बैठे रहते हैं क्योंकि हम लोग के पास ऑप्शन ही नहीं है। स्टैंड हट जाएगा, हम लोग भूखा मर जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, परिवार रोड पे आ जाएगा। ये राजा हो गए ना, हम लोग प्रजा है, प्रजा यहाँ भूखे मर रहा है, प्रजा यहाँ भूखे मर रहा है और राजा वहाँ बैठ के कुर्सी डटा रहे हैं। जब हम लोग प्रजा राजा बनाना जानते हैं तो राजा को हटाना भी जानते हैं, हटाना भी राजा को हम ही लोग जानते हैं। हटा दीजिएगा राजा, एकदम हटा देंगे, हटा देंगे, हटा दीजिएगा। मांग नहीं पूरा, इस बार गरीब लोग वोट नहीं देगा, जब गरीब भूख मरेगा तब वोट देगा, बताइए, स्वाभाविक बात है। मांग हम कह रहे हैं, आज से 3 दशक पहले भूतपूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी ने हम लोग को टाटा पार्क सौंपा था कि गरीब गुरुआ लोग यहाँ से खाएंगे, पिएंगे, जिएंगे, और आज उनका बेटा डिप्टी सीएम है तो उनको आगे बढ़ने के लिए कुर्सी चाहिए मुख्यमंत्री का। जब वो गरीब गुरुआ का उनके पिताजी ने बसाया और आज वो उतार रहे हैं, वो उजार रहे हैं, तो क्या उनको कुर्सी आगे मिलेगा? अच्छा आगे क्या कीजिएगा आप लोग? आगे हम लोग जो स्ट्राइक है हम लोग स्ट्राइक करेंगे, जारी रहेगा, जारी रहेगा। हम लोग का मांग नहीं पूरा होगा अनिश्चितकालीन के लिए, हम लोग का भूख हड़ताल पर कल से बैठेंगे, हो सकता है भूख हड़ताल से नहीं मानेंगे तो आत्मदाह भी किया जाएगा। चलिए तो देखिए तमाम ऑटो चालक है साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार ने जो रवैया अपनाई है उसको लेकर हम लोग अब सड़कों पे उतरेंगे और ज्यादा कुछ भी होगा तो हम लोग आमरण अनशन पर भी बैठेंगे। अब देखने वाली बात है कि क्या सरकार इन लोगों की मांगों को सुनती है या नहीं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए फर्स्ट बिहार के साथ, धन्यवाद। धीरे धीरे से, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया।
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।